हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कुकिंग विद शिप्रा में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है एक चने की दाल की। मैं यहाँ पे दाल नहीं बना रही हूँ, मैं बनाऊँगी चने के दाल की नमकीन। नमकीन बनाने के लिए मैंने चने की दाल ले ली है और इधर मैंने ले लिया थोड़ा खाने वाला सोडा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चने की दाल को 2 से 3 घंटे तक हम इसको पानी में भिगो के रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चने की दाल में मैं पानी डाल देती हूँ और इसी में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा खाने वाला सोडा, ताकि चने हमारे नमकीन जो है वो बहुत क्रिस्पी बने। अब हम इसको देखेंगे 3 घंटे के बाद। 3 घंटे के हो गए हैं दाल को भिगोए हुए। आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से सोक्ड हो गए हैं और फूल गए हैं। अब मैं दाल को पहले अच्छे से धो लूँगी। यहाँ पे मैंने एक साफ़ कपड़ा बिछा दिया और इसमें मैं ये सारी दाल डाल दूँगी और हम इसको बिल्कुल फैला के दाल को हम बिल्कुल सुखा लेंगे। इसमें दाल बिल्कुल फरके हो गए हैं, तो चलिए अब मसाला ले लेते हैं इसके लिए। चने की दाल में डालने के लिए हम पहले कुछ मसाले तैयार कर लेंगे। मसाले में मैंने लिया है सादा नमक और काला नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें मैंने डाल लिया है। इधर मैंने ले लिया है काली मिर्च का पाउडर, इधर ले लिया चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब हम इन सबको मिला के एक मिक्सचर बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी सादा नमक और काला नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च है, तीखी लाल मिर्च भी है और कश्मीरी लाल मिर्च भी है, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और इन सबको हम मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेंगे। चने की दाल में डालने के लिए पाउडर हमने बना लिया है और इधर चने की दाल अब बिल्कुल फरके हो गए हैं। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, ऑयल गर्म होते ही पहले हम दाल को फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, हम सारे चने दाल एक साथ नहीं करेंगे, मैं 2 बार में इसको करूँगी। इसको डाल देते हैं। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब ये ऊपर आ जाएंगे, ऊपर तैरने लगेंगे, तो इसका मतलब चने की दाल अच्छे से फ्राई हो गई है। चने की दाल ऊपर तैरने लगी है, इसका मतलब ये फ्राई हो गए हैं। 2 मिनट और फ्राई करके मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह मैं दूसरी लॉट भी पूरा फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये ऊपर आने लग गए हैं, चने की दाल ऊपर तैरने लगी है, आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, ऐसे में ही मैं निकाल लूँगी इनको बाहर और इसी तरह मैं बाकी चने की दाल को भी फ्राई कर लूँगी। अब मैं बाकी चने की दाल भी वापस डाल दूँगी इसके अंदर और इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। दाल देख सकते हैं जो मैंने दूसरा लॉट डाला, ये भी सारी ऊपर तैर रही है, इसका मतलब ये हो गया है। अब हमको हम इसी स्टेज पे इसको बाहर निकाल लेंगे। चने की दाल हमने फ्राई करके निकाल ली और मसाले हमारे तैयार हैं। चने की दाल हमने फ्राई करके निकाल ली और यहाँ पे हमारा मसाला भी तैयार है। तो गरम गरम में ही हम ये मसाला इसमें डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चने की दाल की नमकीन तैयार है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।